हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं पोटैटो लॉलीपॉप कैसे बनाए जाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल तरीका है। तो चलिए, पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने 4 से 5 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं, बॉईल किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, हमने दही लिया है 1/2 कटोरी। और यहाँ पे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर लिया है हमने थोड़ा सा, और थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम बनाया हुआ है, घर पर ही बनाया है। और यहाँ पे देखिए, एक बड़े साइज़ का हमने प्याज बारीक काटा है, और एक हमने शिमला मिर्च इसको हमने बारीक काटा है, और हमने लहसुन अदरक का यहाँ पे पेस्ट बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, हमने टूथपिक लिया है पोटैटो लॉलीपॉप में लगाने के लिए। यहाँ पर देखिए, हमने 1/2 कटोरी जो है मैदा लिया है, और यहाँ पे देखिए, हमने फ्रेश हरा धनिया लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक बर्तन लिया है, और इसमें जो हमने बॉयल किया आलू है, इसको हमने इसमें मसल के डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये चाट मसाला डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे, और सभी को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए, जो हमने मैदा लिया था, इसका हम घोल बनाएंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, पानी अपने मात्रा के अनुसार डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसका जो घोल है, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा रहे। थोड़ा सा ये देखिए पानी है, उसमें हम और डालते हैं। थोड़ा सा पानी जो है, थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें। घोल को जो अच्छे से तैयार कर लेते हैं हम पहले चम्मच की सहायता से। ये देखिए, हमने मैदे का जो है घोल हमारा तैयार हो गया है। सबसे पहले अपने हथेलियों पे तेल लगाएंगे। और जो हमारा जो पोटैटो का जो स्टफिंग है, इसको हाथों पे लेंगे और इसको गोल करेंगे। और इसको हम मैदे में डिप करेंगे। उसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम में लगाएंगे। इसको देखिए, एक प्लेट में हम रख देंगे। ऐसे ही हम सभी को बना लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी को बना लिए हैं। ये पैन को हमने पहले से ही गैस पे चढ़ा रखा है, और ये तेल देखिए हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम बना हुआ पोटैटो लॉलीपॉप। इसको हम पलट देंगे। ये देखिए, चम्मच की सहायता से इसको हम चारों तरफ से जो है पका लेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से पक जाए। जो हमारे हैं पोटैटो लॉलीपॉप, ये हो गए अच्छे से। इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी को ये बना लिया है। ऐसे ही हम और बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा पोटैटो जो लॉलीपॉप बन के तैयार है। इसमें हम टूथपिक लगा देंगे। ये देखिए, हमने कटोरी में जो दही ले रखा था,
इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, ये सारा धनिया और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा जो मिक्स हो गया है, ये देखिए बना हुआ लॉलीपॉप को हम दही में लगाएंगे। ये देखिए हमारा पोटैटो लॉलीपॉप बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हम फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। ओके, बाय।